हेलो मेरे नन्हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा है आप बहुत स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, बड़ों का आदर करते होंगे, पौष्टिक खाना खाते होंगे और पढ़ाई भी उतनी ही करते होंगे। तो स्वागत है आपका आपकी हिंदी की कक्षा में। और आज हम कराने जा रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तिका तरंग बाय अमित पब्लिकेशन से पाठ 4, जिसका शीर्षक है प्यारा सा एक पत्र। पत्र क्या है? पत्र का अर्थ है चिट्ठी, पत्र। तो क्या है प्यारा सा एक पत्र बच्चों, हम देखते हैं इसमें। ये देखिए, पत्र के ऊपर यहाँ पे पता लिखा हुआ है 47/2 अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली 110002 और दिनांक 22 जनवरी। तो किसने लिखा है ये और किसको लिखा है, अब हम देखते हैं। प्यारी सपना नमस्ते, यानी कि ये सपना को लिखा गया है। कोई सखी है किसी की, उस लड़की का नाम है, उस सहेली का नाम है सपना। प्यारी सपना नमस्ते, तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर खुशी हुई कि तुम आगरा घूमकर आई हो। पत्र में तुमने आगरा के ताजमहल के बारे में बताया, तुम्हारे अनुभव जानकर मेरा मन भी ताजमहल देखने को कर रहा है। यह पत्र मैंने तुम्हें अपनी गर्मी की छुट्टियों के बारे में बताने के लिए लिखा है। इस बार गर्मी की छुट्टियों में मैं अपने माता पिता के साथ नाना नानी के घर गई थी। मेरी नानी का घर शहर से दूर एक गांव में है। उनके गांव का नाम क्या है? उनके गांव का नाम चंदनपुर है। मेरे नाना जी वहाँ के जमींदार हैं। वहाँ पर शहरों की तरह पक्की सड़कें नहीं हैं, धूल मिट्टी चारों ओर फैली रहती है यहाँ पे, तथा लोग कुएं पर पानी भरने जाते हैं। बच्चों वहाँ पे इस गांव में क्या था, कुएं से पानी भरते हैं। सपना, सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि यहाँ के लोग बैटरी नहीं लेते, बल्कि सुबह गरम गरम दूध पीते हैं और नहा धोकर पूजा करते हैं। वे लोग सादा जीवन बिताते हैं और बहुत परिश्रमी होते हैं। स्त्रियां घर का काम करती हैं और सभी पुरुष बहुत सवेरे ही काम पर चले जाते हैं। सभी बच्चे पकड़म पकड़ाई, रस्सी कूदना, खो खो, पोशंपा भाई पोशंपा, चोर सिपाही, गुल्ली डंडा व पतंगबाजी इत्यादि खेल खेलते हैं। गांव के लोगों का पहनावा भी अलग प्रकार का है। स्त्रियां साड़ी और लहंगा चुनरी पहनती हैं और पुरुष धोती कुर्ता व पगड़ी पहनते हैं। सभी लोग आपस में क्या करते हैं, सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। शाम के समय कुछ लोग पेड़ के नीचे बैठकर बातें करते हैं। वहाँ के लोग शहर के लोगों की तरह टेलीविजन टेलीफोन पर बातें नहीं करते, बल्कि आमने सामने बैठकर खूब बातें करते हैं। सपना, हम वहाँ पूरे 4 दिन रहे। वहाँ सड़क के दोनों ओर लहलहाते खेत थे, हरे भरे खेत बहुत ही अच्छे लग रहे थे। मैंने भी खेतों से गन्ने तोड़कर खाए। यह मेरी जिंदगी का पहला रोमांचक अनुभव था, जब मैंने कोई चीज़ अपने हाथ से खेत से तोड़कर खाई थी। मेरी नानी ने मुझे अपने हाथ से कपड़े सिलकर दिए हैं। इन 4 दिनों में मेरी बहुत सारी सहेलियां भी बन गई थी। मेरा मन गांव छोड़कर आने के लिए बिल्कुल नहीं कर रहा था, परंतु पिताजी को दफ्तर से इतनी छुट्टियां नहीं मिली थी, परंतु पिताजी को दफ्तर से इतनी ही छुट्टियां मिली थी, इसलिए हमें जल्दी वापस लौटना पड़ा। हम सभी ने वहां पे खूब मज़े करे। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना, शरारती रोहन की शरारतें कम हुई या नहीं, पत्र लिखकर बताना, तुम्हारी सखी मनप्रीत कौर। इसका मतलब ये पत्र किसने लिखा, ये पत्र लिखा है मनप्रीत कौर ने, कौन सी, अपनी सखी सपना को। और अब हम चलते हैं कठिन शब्द पत्र, आश्चर्य, अनुभव, परिश्रम, छुट्टियां, जिंदगी, जमींदार, रोमांचक, कुएं और दफ्तर। और अब आ रहा है शब्दार्थ, शब्दों के अर्थ। अनुभव का अर्थ है एहसास, अवकाश का अर्थ है छुट्टी, आश्चर्य मतलब हैरान,
परिश्रमी का अर्थ है मेहनती, पहनावा, वेशभूषा, खूब बहुत ज़्यादा रोमांचक, मन को गुदगुदाने वाला, और दफ्तर का अर्थ है कार्यालय या ऑफिस। और अब हमसे पूछा है क्या आपको पत्र लिखना आता है। बच्चों, क्या आपको पत्र लिखना आता है? आप लिख सकते हैं पत्र, ज़रूर बताइएगा। और अगर आता है तो आप एक छोटा छोटा पत्र अपनी नानी को या अपनी दादी को ज़रूर लिखेंगे और वो बहुत खुश हो जाएंगी। आगरा की 3 प्रसिद्ध जगहों के नाम बताओ। बच्चों, आगरा का जो प्रसिद्ध, सबसे प्रसिद्ध है आगरा का ताजमहल, और दूसरा जो आगरा का है वो है आगरा फतेहपुर सीकरी। ये भी बच्चों एक किला है जो थोड़ी आगरा से थोड़ी बाहर की तरफ है। और दूसरा है आगरा, एक और है आगरा किला जिसे आगरा फोर्ट बोलते हैं। तो ये 3 चीज़ें आगरा की बहुत ही प्रसिद्ध हैं, ताजमहल, आगरा का फतेहपुर सीकरी और आगरा का किला। आगरा ताजमहल किसने बनवाया था? बच्चों, ये तो सबको पता होगा कि ताजमहल किसने बनवाया है। ताजमहल शाहजहाँ, जो शाहजहाँ थे उन्होंने अपनी बेगम मुमताज़ की याद में बनवाया है, वह आगरा का ताजमहल किसने बनवाया है? शाहजहाँ। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। अब हमें सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है, जो सही है उस पर हमें सही लिखना है। मनप्रीत ने पत्र किसे लिखा? रोहन को, नानी को, सपना को या मौसी को? मनप्रीत ने अपनी सखी सपना को पत्र लिखा। सपना क्या देखकर आई थी? सपना क्या देखकर आई थी? कुतुब मीनार, ताजमहल, इंडिया गेट या हवा महल? सपना ताजमहल देखकर आई थी। ताजमहल कहाँ है? आगरा में, दिल्ली में, कानपुर में या मुरादाबाद में? ताजमहल है आगरा में। हमने आगरा के आगे सही का निशान लगा दिया। मनप्रीत गांव में कितने दिन रही? 2 दिन, 5 दिन, 3 दिन या 4 दिन? मनप्रीत गांव में पूरे 4 दिन रही थी। और अब हम चलते हैं आगे। आगे हमसे क्या पूछा गया है? आगे हमें करना है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। मनप्रीत ने को पत्र लिखा। मनप्रीत ने किसको पत्र लिखा था? बच्चों, मनप्रीत ने अपनी सखी सपना को पत्र लिखा। मनप्रीत अपने कहाँ गई थी? के घर गई थी। किसके घर गई थी? नानी के घर घूमने गई थी। सपना क्या घूम कर आई थी? सपना यह हम कह सकते हैं सपना आगरा घूम कर आई थी। ताजमहल की जगह हम आगरा करेंगे। और बच्चों, अब हमें क्या करना है? हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। सबसे पहले क्या लिखा है? सबसे पहले लिखा है मनप्रीत ने को पत्र लिखा। मनप्रीत ने किसको पत्र लिखा? मनप्रीत ने सपना, अपनी सहेली सपना को पत्र लिखा। मनप्रीत अपने किसके घर गई थी? नाना नानी के घर। मनप्रीत अपने नाना नानी के घर घूमने गई थी। सपना घूम कर आई थी। सपना क्या, कहाँ घूम कर आई थी? सपना आगरा घूम कर आई थी। गांव के लोग बहुत क्या होते हैं? गांव के लोग बहुत परिश्रमी होते हैं, मेहनत करने वाले होते हैं। गांव के लोग बहुत परिश्रमी होते हैं। गांव के लोगों का भी अलग प्रकार का होता है। गांव के लोगों का पहनावा क्या होता है? वहां के लोगों का पहनावा, उस मनप्रीत के गांव के लोगों का पहनावा क्या था? पुरुष जो थे वो धोती, कुर्ता और पगड़ी पहनते थे, और स्त्रियां साड़ी और लहंगा और चुंदी पहनती थी। अब है वाक्यों के सामने सही या गलत का चिन्ह। मनप्रीत का मन आगरा घूमने का कर रहा था। जी हाँ, मनप्रीत का मन, जब सपना ने आगरा के बारे में बताया था तो मनप्रीत का मन भी आगरा घूमने के लिए कर रहा था। मनप्रीत अपने चाचा चाची के घर गई थी। जी नहीं, मनप्रीत तो अपने नाना नानी के घर गई थी, तो ये गलत है। मनप्रीत के नाना जी गाँव के जमींदार थे। जी हाँ, मनप्रीत के नाना गाँव के जमींदार थे। गाँव में मनप्रीत ने गन्ने तोड़ कर खाए। जी हाँ, गाँव में मनप्रीत ने गन्ने तोड़ के खाए। मनप्रीत के गांव का नाम नंदनपुर था। जी नहीं, मनप्रीत के गांव का नाम चंदनपुर था, तो ये भी गलत है।
अब हमें क्या करना है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। सबसे पहले पूछा गया है यह पत्र किसने किसे लिखा, यह पत्र किसने लिखा, यह पत्र मनप्रीत ने सपना को लिखा। गांव की स्त्रियों का पहनावा क्या है, गांव की स्त्रियां लहंगा और चुंदरी, गांव के स्त्रियों का पहनावा था लहंगा चुंदरी। गांव के लोगों के जीवन के बारे में मनप्रीत ने क्या बताया, गांव के लोगों के बारे में, जीवन के बारे में बताया कि यहाँ के लोग बहुत परिश्रमी होते हैं, बहुत सीधे साधे होते हैं, वहाँ पे बैटरी नहीं पीते, सुबह गर्म दूध पीते हैं और सुबह ही काम पर चले जाते हैं, और स्त्रियाँ जो हैं वो घर की देखभाल करती हैं, घर पर काम करती हैं। ठीक, तो वहाँ के लोगों के जीवन के बारे में मनप्रीत ने यह बतलाया। गाँव में बच्चे कौन कौन से खेल खेलते हैं, गाँव में बच्चे गुल्ली डंडा, पोशंपा, पतंगबाजी, खो खो, ये सारे जो खेल खेलते थे। मनप्रीत का मन गांव से लौटने को क्यों नहीं कर रहा था, मनप्रीत को गांव का, गांव में बहुत अच्छा लग रहा था, उसकी बहुत सारी सहेलियां भी बन गई थी, उसने वहां पे गन्ना भी तोड़कर अपने हाथ में, जीवन में पहली बार उसने गन्ना भी तोड़कर खाया था, उसको लहलहाते खेत बहुत अच्छे लग रहे थे और उसको गाँव का जीवन इसीलिए बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए उसका मन गाँव से वापस जाने को नहीं कर रहा था। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। नए पाठ के साथ बहुत जल्दी आपके समक्ष प्रस्तुत होते हैं, तब तक के लिए आभार।